कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर और कैसे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। अब यहाँ पर सहेली की तैयारी चल रही है। मैं यहाँ पर बना रही हूँ टमाटो की चटनी। टमाटो की चटनी की वीडियो मेरे चैनल में है, आप इस वीडियो को डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा टमाटर जो है अच्छे से पक चुका है। मैंने ग्राइंडर में पहले से ही मिर्ची और जीरे को डाल दिया है। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, फिर इसके अंदर टमाटर ऐड करने के बाद हल्का सा ग्राइंड करना है। यहाँ पर चिकन का सालन गरम कर रहे हैं। चिकन का सालन जो है रात में ही बना के रख दिया है, बस इसे थोड़ा सा गरम करेंगे। यहाँ पर चावल भी धो के रख दिया है, इसे हम स्टोव पे चढ़ा देंगे। यहाँ पर सब पक चुका है, सब लोग सहरी करने के लिए भी आ गए हैं। आज हमारे सहरी में है चिकन करी, टमाटो की चटनी और यहाँ पर है हमारा चावल। हम आए थे यहाँ मॉडर्न ग्रैंड पर, घर में कुछ सामान चाहिए था, मस्जिद में रोज़दारों के लिए भी कुछ बना के देने का था, तो इसलिए मैं यहाँ से कुछ ले रही हूँ। मैं यहाँ हमेशा यहीं से इंडोमी नूडल्स ज़रूर खरीदती हूँ यहाँ ग्रैंड पे आने का है तो। ये यहीं मिलते हैं और दूसरी जगह कहीं पे भी नहीं मिलते हैं ये। हम घर वापस आ चुके हैं। एक कुछ फ्रूट्स मैंने ग्रैंड से लिया है, कुछ फ्रूट्स मैंने बाहर से खरीद के लेके आए थे। अब इन सबको अच्छे से धो के वॉश करके कट करके मस्जिद में रोज़ारों के लिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैंने यहाँ पर क्या क्या लाया है, मैं पूरे 5 टाइप्स के फ्रूट्स लेके आई थी यहाँ पर। मस्कमेलन, वाटरमेलन, मैंगो, ग्रेप्स और पपाया। ये देखिए इन सब फ्रूट को हम अच्छे से धो के कट करते हैं। यहाँ पर फ्रूट्स की कटिंग चल रही है, देखिए अम्मी अच्छे से कट कर रहे हैं यहाँ पर फ्रूट्स। मस्कमेलन से बहुत बेनिफिट्स होते हैं, मस्कमेलन हमारे बॉडी को बहुत ठंडा रखता है, तो आप भी ज़रूर मस्कमेलन यूज़ कीजिए, रमज़ान में ज़रूर यूज़ कीजिए। ये देखिए यहाँ पर अंगूर कितना प्यारा है ना, देखिए माशाल्लाह यहाँ पर सारे अंगूर भी निकाल रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारी अदु कितने इंटरेस्ट से बैठ के देख रही है सब चीज़ों को। वैसे मैं अदु के बारे में एक गुड न्यूज़ बताऊंगी आपको, वीडियो के एंडिंग तक ज़रूर बने रहिए, वीडियो के एंडिंग में मैं आपको एक गुड न्यूज़ बताऊंगी। देखिए यहाँ पर पपाया की भी कटिंग हो रही है, इसका पेल निकाल रहे हैं यहाँ पर। वैसे पपाया से भी बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, इसमें भरपूर एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन्स रहते हैं। पपाई खाने से हार्ट डिसीज़ बहुत कम होते हैं, हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, स्किन भी अच्छे से ग्लो होता है। यहाँ पर तरबूज का कटिंग हो रहा है, तरबूज से कितने बेनिफिट्स है सबको पता है। तरबूज में वाटर लेवल ज़्यादा रहते हैं, अपने बॉडी को भी बहुत ठंडे रखता है। तरबूज से ब्लड प्रेशर भी कम होता है, हार्ट अटैक के रिस्क भी बहुत कम रहता है, तो ज़रूर आप भी अपने डाइट में तरबूज को इंक्लूड कीजिए। यहाँ पर खरबूज को अच्छे से कट कर दिया है और इसके अंदर से सारे पिंच को निकाल दिया है, इसे अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में कर देते हैं आप। यह पपाई को भी कट कर दिया है, इसके अंदर के जो सीड्स है सारे वो निकाल देना है। ये देखिए यहाँ पर कुछ पीसेस कट कर दिया है, इसी तरह हम सारे पीसेस को अच्छे से कट कर देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह पपाई भी अच्छा पक्के हैं, बहुत मीठी रहती है इसे पकी हुई पपाई। यहाँ पर मैंगो की भी कटिंग हो रही है, मैंगो को भी इसी तरह छोटे से पीसेस में कट करके निकाल के साइड पे रख लेते हैं। यहाँ पर सारे फ्रूट्स को छोटे से पीसेस में कट करके रख दिया है। ये देखिए वाटरमेलन, ये पपाया, ये अंगूर,
और यहाँ पर देखिए मस्क मेलोन, मैंगो, देखिए सब छोटे से पीसेस में अच्छे से कट करके रख दिया है। देखिए माशाल्लाह कितने कलरफुल है ना ये, और सब इस बॉक्स में अच्छे से फिल कर देते हैं। मैं सब फ्रूट्स यहाँ पर देखिए इसी तरह फिल कर रही हूँ। सारे बॉक्सेस में अच्छे से फिल कर दिया है और हर बॉक्स में हमने खजूर को भी ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम टूथ पिन भी रखेंगे। इन सारे बॉक्स को क्लोज करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर सारे बॉक्सेस हमने अच्छे से पैक कर लिया है। देखिए कितने कलरफुल दिख रहे हैं ना बॉक्स के अंदर से माशाल्लाह। ये सब हम मस्जिद में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम यहाँ पर बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा का शरबत, तो उसी के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं ठंडा पानी। मैंने यहाँ पर ठंडा पानी लिया है और उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ सब्जा के सीड्स। सब्जा के सीड्स से बहुत हेल्थ बेनिफिट्स रहते हैं, अपने बॉडी को भी बहुत कूल रखता है। इसके अंदर मैंने सब्जा के सीड्स ऐड कर रही हूँ। ये शरबत भी हम मस्जिद में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो मैंने ज़्यादा कंटेंट में यहाँ पर बना रही हूँ शरबत। अभी उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं रूह अफ़ज़ा। मैंने यहाँ पर रूह अफ़ज़ा का पूरा एक बॉटल डाल दिया है। अब इसके अंदर मैंने लिया है लेमन जूस। अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं शुगर पाउडर। शुगर को भी देखिए मैंने इस तरह से पाउडर बना के इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ। हमने शरबत को देखिए इस तरह से पूरे पैकेट में फिल कर दिया है। अब ये फ्रूट्स और शरबत को हम मस्जिद में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इंशाल्लाह। ये आज की हमारी इफ्तारी है। देखिए इफ्तारी में कुछ फ्रूट्स है, आम, अंगूर, वाटरमेलन। ये हमारा गंजी है विजयवाड़ा स्पेशल, उसके साथ समोसे और भजिया। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी हो चुकी है, सबने नमाज़ भी पढ़ लिया है। अभी यहाँ पर चाय बना रही हूँ। अभी रमज़ान का चांद भी नज़र आ गया है। मेरे सब्सक्राइबर्स को सब लोगों को चांद रात मुबारक। यहाँ पर मुगज़ियात की प्रिपरेशन चल रही है। ये देखिए खोपरे को इस तरह से तुरुक के रख लेना है, बस यही काम होता है। इसके लिए ज़्यादा वक्त लगता है। और खजूर को देखिए इस तरह से पीसेस में भी कट करके रख लेना है, बारीक से पीसेस में। हमने काजू को भी देखिए इस तरह से कट कर लिया है। हमारा आज का काम पूरा हो चुका है, बस इसे कटिंग में ही ज़्यादा वक्त लगता है। मुगज़ियात आराम से बना सकते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लगता मुगज़ियात बनाने के लिए, कटिंग में ही हमें ज़्यादा वक्त लगता है। तो मॉर्निंग उठ के इंशाल्लाह हम मुगज़ियात का प्रिपरेशन कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल हमें वीडियो कंटिन्यू करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, सबको ईद मुबारक, आपको और आपके सारे फैमिली मेम्बर्स को मेरे तरफ से ईद मुबारक। ये मेरा कल का व्लॉग, आज मैं ये व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स का अच्छे से तल के रख दिया है और इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है। मुगज़ियात का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल में है। आप इस वीडियो को डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। माशाल्लाह बड़े मज़े का बनता है, आप ज़रूर ट्राई करें। और ये है हमारा शीर खुरमा। शीर खुरमा का बिना हमारा रमज़ान अधूरा है। देखिए शीर खुरमा का वीडियो भी मेरे चैनल में है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगी, आप ये वीडियो वहाँ से ज़रूर विजिट करें। यहाँ पर बिरयानी का प्रिपरेशन हो रहा है। मैं यहाँ पर चिकन बिरयानी बना रही हूँ। मैंने तेल में होल स्पाइसेस ऐड किया है, उसके बाद मैंने ऐड किया है प्याज। प्याज गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैंने उसमें ऐड किया है अदरक लहसुन का पेस्ट, और उप डालने के बाद कुछ सेकंड्स के बाद मैंने ऐड किया है चिकन। चिकन डालने के बाद हमें अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद मैंने ऐड किया है हल्दी और नमक। बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके मीडियम फ्लेम में कुछ मिनट तक पकने देंगे।
देखिए कुछ देर के बाद कुछ इस तरह से लगेगा। अब इसमें हमें ऐड करना है लाल मिर्च पाउडर। मैं यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद हमें बस हल्का सा रोस्ट करना है, 1 सेकेंड तक हाई फ्लेम पे हमें पकाना है। ऐसा करने से इसका जायका जो है और बढ़ेगा। आप एक बात ज़रूर याद रखें, कभी भी लाल मिर्च डालने के बाद 1 मिनट के लिए आप अच्छे से हाई फ्लेम पर पकाइए। हमें 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर मिक्स करते हुए ही पकाना है, वरना नीचे से लग जाएगा। देखिए इस तरह से मिक्स करते ही रहना है। अब इसमें हमें ऐड करना है दही। मैंने यहाँ पर दही ऐड किया है। इसके अंदर मैंने लिया है धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने लिया है मुट्ठी भर पुदीना और धनिया, हरी मिर्च। बस इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। हमें कोई पानी ऐड नहीं करना है। सारा दही और टमाटर में के पानी से हमारा चिकन अच्छे से गल जाएगा। अगर आपका चिकन नहीं गला तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी आप ऐड कर सकते हैं। बस इन सबको अच्छे से मिक्स करके हमें कवर करके मीडियम फ्लेम में इसे अच्छे से पकाना है। मैंने यहाँ पर एक मैगी क्यूब भी लिया है, ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे डाल सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं। मैंने नीचे चिकन का एक लेयर डाला है, उसके ऊपर मैं चावल का एक लेयर डाल रही हूँ। बिरयानी राइस का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल में है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से वो वीडियो ज़रूर देखें। उसके बाद मैंने एक चिकन का लेयर लिया है, उसके ऊपर मैंने फ्राइड ऑनियंस और पुदीना और धनिया लिया है। इसके ऊपर मैंने फिर एक राइस का लेयर डाला है। बस ऐसा हमें रिपीट करना है, इसी तरह लेयर्स बनाना है। उसके बाद मैं यहाँ पर फ्राइड ऑनियंस का ऑयल डाल रही हूँ। फ्राइड ऑनियन का ऑयल डालने से इसका जायका और बढ़ेगा, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद मैंने यहाँ पर फूड कलर भी डाल रही हूँ। पहले हम फ्राइड ऑनियन का ऑयल डालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा फूड कलर भी हम ऐड करेंगे। फूड कलर ऐड करने के बाद हम फ्राइड ऑनियंस ऐड करेंगे। उसके बाद हमें धनिया और पुदीना डालना है इसके ऊपर से। बस कवर करके 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे और 10 मिनट तक लो फ्लेम पे दम को देना है। बस इतना ही, हमारा मज़ेदार दम बिरयानी पक के तैयार हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा मज़ेदार दम बिरयानी पक के तैयार हो चुकी है। आप भी घर पर ज़रूर ट्राई करें, आप भी खाइए, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी खिलाइए। माशाल्लाह हमारी अदा किटेंस डिलीवरी कर चुकी है। फर्स्ट टाइम में ही माशाल्लाह 6 किटेंस डिलीवरी करी है अदा। ये देखिए उसके बच्चों के साथ कितनी खुश है माशाल्लाह। 6 किटन में 1 किटन की डेथ हो चुकी है। ब्लैक वाले किटन की हेल्थ भी सही नहीं है, उसके लिए दुआ कीजिए और अदो के बच्चों को देख के माशाल्लाह ज़रूर कहिए। यह है हमारे आज का वीडियो। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जजाकल्ला खैर।